हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने मूवी देखी शार्पर, जिसका रन टाइम लगभग 2 घंटे का है। ये एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, इसमें कॉन्स किए जा रहे हैं, ठगी की जा रही है। और जो ठगी की कहानी है, जो परतें हैं एक के बाद एक खुलती हैं, वो आपको अगाथा क्रिस्टी की नॉवेल्स की याद दिला देंगे। साथ ही अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो बंटी बबली आई थी, उसका 2 पार्ट भी अभी आया था, उसमें कॉमेडी को हटा दें, उसको थोड़ा ज़्यादा डार्क बना दें, आर्टिस्टिक बना दें, स्टाइलिश बना दें, तब मूवी मिल जाएगी आपको शार्पर। तो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी शार्पर, अगर स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर 2 कॉन आर्टिस्ट होते हैं, मार्डलिन एंड मैक्स नाम के, प्लेड बाय जूलियन मूर एंड सेबेस्टियन स्टैन। इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा मुर्गा फंसाया होता है, रिचर्ड नाम का बिलियनर आदमी होता है, उससे पैसा ऐंठते रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब बंदर बिल्ली के बांट में बिल्ली काफी कुछ लेकर भाग जाती है और पड़ जाती है इनके बीच में फूट, इनके ग्रुप में और भी लोग होते हैं। फिर एंट्री होती है सैंड्रा नाम की एक लड़की की, प्लेड बाय ब्रियाना मिडिलटन, बेहतरीन परफॉर्मेंस। वो आती है और इनकी डायनेमिक्स कुछ चेंज हो जाती है। अब कब किसको कौन कैसे कौन कर रहा है हमें बिल्कुल नहीं पता चलता है, ठगी का कौन सा रूप अब सामने आएगा हमें नेक्स्ट मोमेंट नहीं पता होता है। इसमें ज़रूरत होती है बेहतरीन पोकर फेस बनाने की, जिसको इसकी कास्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, बिल्कुल एक मर्डर मिस्ट्री नॉवल की तरह। अब बात करते हैं 3 चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी हैं और 1 चीज़ है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, अगर वो नहीं होती तो मुझे स्टोरी और भी ज़्यादा अच्छी लगती। तो पहली जो चीज़ है अच्छी है वो है इसकी कास्ट। ये बस फिलर की तरह नहीं यूज़ किए गए हैं, किलर की तरह यूज़ किए गए हैं, बहुत ही एप्ट इन्होंने परफॉर्म किया है। जूलियाना मूर तो बेहतरीन लगी है मुझे, वो 60s की हैं एंड यू कांट इमेजिन कि वो इसमें सेंशुअस भी लगी हैं और वो अपने आप को बहुत अच्छे से पुल ऑफ करी हुई हैं जिस जगह पर हैं, क्योंकि उनको एक इंसान को ल्योर करना है, उसको अपने जाल में फंसाना है, उसको वो बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। एक जगह तो वो ब्रियाना मिडिलटन को अपीयरेंस में चैलेंज देती हुई भी नज़र आती हैं। देन सेकेंड हो जाएंगे सेबेस्टियन स्टैन, वो सीन्स को इंटेंस बनाते हैं, एक डार्क टिंज है उनमें जो साइड अपनी जब लाते हैं तो सीन बहुत इंपैक्टफुल हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। देन थर्ड है ब्रियाना मिडिलटन, बेहतरीन परफॉर्मेंस। उन्होंने जो ड्रग्स वाला एंगल अपना दिखाया है कि वो किस तरीके से ड्रग्स में डूबी हुई हैं, उससे निकल नहीं पा रही हैं और बहुत ही सैड डिप्रेस है, बेहतरीन परफॉर्मेंस। कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत अच्छे हैं और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है ना, सेकेंड चीज़ ये है, वो बहुत ही कन्विंसिंग है। आप ये नहीं कह पाएंगे कि हाँ ये कहाँ से हो गया, ये ऑल ऑफ सडन हो रहा है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कन्विंसिंग है और अच्छे हैं। थर्ड हो जाएगा जो उसकी स्टाइल है, जिस आर्टिस्टिकली तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है, तो आपको वो बांधे रखती है। तो थर्ड चीज़ ये हो गई। अब अगर नेगेटिव की बात करते हैं, जो मुझे बस एक लगा है वो ये है कि बाकी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एंड में जो ट्विस्ट आता है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड के 15 मिनट्स आपने जो सोचा होगा वही होने वाला है, और मैं भगवान से मना रही थी प्लीज़ ऐसे ना हो, अगर ऐसा हो जाएगा तो मूवी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आप जो सोचेंगे वही हो जाएगा। तो दिस वॉज द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस मूवी दैट आई हैव फाउंड। बाकी मुझे मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, तो आप देखिएगा। अगर आपको इस तरीके की डिटेक्टिव मूवी जैसी लगेगी, लेकिन ये कौन मूवी है, इंटरेस्ट है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।